1947 में मिली आजादी के बाद देश में एक मजबूत लोकतंत्र की स्थापना हुई। जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन शुरू हुआ। जैसे जैसे भारत विकसित से विकासशील होता गया, लोकतंत्र की नींव उतनी ही मजबूत होती चली गई। लेकिन अब बिहार में विपक्ष लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप ब्यूरोक्रेट पर लगा रहा है और कई उदाहरण भी पेश करता है। बेलगाम नहीं है, मोस्ट करप्ट ब्यूरोक्रेसी से हम लोग गुजर रहे हैं और ये सारा करप्शन टॉप टू बॉटम है और नजर के सामने है। आप कोई ऐसा डिपार्टमेंट उठा लीजिए जिस डिपार्टमेंट में बात हो जाता है, टेंडर के पहले बात हो जाती है, ऐसी चीज़ें यहाँ लगातार हो रही हैं। तो ब्यूरोक्रेसी बेलगाम भी है, करप्ट भी है और ये सब संरक्षण में हो रहा है। ये सब ये कह सकते हैं कि हम इनडायरेक्टली पैसों का सैफनिंग है और ये हो रहा है। इसीलिए तो आप देखिएगा कि बजट, हर प्रोजेक्ट का एक बजट है लेकिन बजट ज़मीन पर उतरता नहीं है। जब नीतीश भाजपा सरकार में नौकरशाही बढ़ी है, नौकरशाहों का मनमनापन बढ़ा है, अभी जब सदन में विधायकों को पिटवाएंगे तो यहाँ DMSP ब्लॉक के पदाधिकारी क्यों सुनेंगे? और इसके लिए बिहार के विकास पर असर पड़ रहा है। इसके चलते जब जनप्रतिनिधि जनता के सवालातों को उठाते हैं, जनप्रतिनिधि से जनता प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी रहती है, अपना दुख दर्द अपना सवाल अपने संकट को रखती है, हम लोग क्षेत्र में भी हाउस में भी उठाते हैं। लेकिन नीतीश सरकार के जो जवाब भी आती है, मंत्री उनके जवाब देते हैं, गलत जवाब देते हैं और समय पर कार्रवाई नहीं करते। दरअसल 2005 में जब बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में सरकार बनी तो नीतीश ने ब्यूरोक्रेसी को खुलकर काम करने की छूट दे दी, जिसका नतीजा यह निकला कि पिछले कई सालों से थक चुके बिहार में विकास ने रफ्तार पकड़ ली। लेकिन नीतीश के इस रफ्तार ने लोकतंत्र का दम भी घोटना शुरू किया और अधिकारी जनप्रतिनिधियों को ठेंगे पर रखने लगे। अब बिहार में सबसे बड़ी विपक्षी दल राजद कहती है कि अधिकारी विपक्ष में होने की वजह से उनकी बातें तो सुन भी लेते हैं लेकिन सत्ता पक्ष अधिकारियों के सामने निसहाय सा दिखता है। भाजपा के मंत्री भी विपक्ष के सुर में सुर मिलाते हैं। विपक्ष का तो बात सुन भी लिया जाता है क्योंकि हम लोग विपक्ष में हैं, लेकिन सत्ता पक्ष का कोई सुनवाई नहीं है। और ये दर्द सिर्फ एक MLA होने के नाते नहीं है, ये एक दर्द जो है ये इधर से आता है कि पब्लिक की आवाज़ अगर कोई है तो वो एक MLA है, एक जनप्रतिनिधि है, और अगर जनप्रतिनिधि की आवाज़ दबा दी जाएगी तो उस सिस्टम में आपका क्या कहते हैं, जनता का बोलबाला कम हो जाएगा और तंत्र और प्रशासन और इस सब का बोलबाला ज़्यादा हो जाएगा। वो अपना अपना MLA हो और मंत्री हो, जैसे मैं हूँ, उससे पहले भी तो मैं विधायक था और मेरे यहाँ जो भी हमने कार्यक्रम किया और DM करे या जो भी, तो हम लोगों को बुलाते थे, हम लोग जाते थे। वो जिला की अपना अलग अलग परंपरा है। जो विधायक बोले हैं गलत बोले हैं, अफसर शाही आपको अब वो उनका है सर, अफसर शाही हावी है, आप मानते हैं। मैं उससे पहले भी कहा था एक बार, कहीं कहीं अफसर शाही हावी है। हालांकि बिहार में कई ऐसे मामले सामने आए जब नीतीश के मंत्री भी अधिकारियों को लेकर गुस्से में दिखे, तो वहीं यह भी आरोप लगाया कि सरकार के अधिकारी उनकी बातें नहीं सुनते। पिछले साल बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने तो कुछ दिनों तक विभाग भी जाना बंद कर दिया था। हालांकि JDU इसका खंडन करती है और विधायिका को कार्यपालिका से ऊपर बताकर लाल फीताशाही से इनकार करती है। ऐसा नहीं लगता है मुझे कि लाल फीताशाही से कोई परेशान नहीं, ये प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में ये एक्सेप्ट करना होगा जो भी पदाधिकारी हैं कि वो सरकार के नौकर हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, और सभी जनप्रतिनिधि जनता के सेवक हैं, वो जनता के नौकर हैं और ये बात सब लोग जानते भी हैं इस बात को, तो नौकरशाही इसी के लिए बोला जाता है ब्यूरोक्रेसी को। तो ऐसा कहीं से मुझे नहीं लगता है कि आप लोग जो बोल रहे हैं, चाहे विरोधी का काम है विपक्ष का विरोध करना, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ उतने हद तक कि, लेकिन कहीं कहीं ऐसी घटना घटती है तो उस पर हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है, कार्रवाई नहीं करती तो अलग बात थी, लेकिन जहाँ जहाँ ऐसा आया है मुद्दा सरकार उसको कार्रवाई कर रही है और आगे भी करेगी। कहते हैं जब लोकशाही बढ़ेगी तो लोकतंत्र कमजोर होगा। फिलहाल बिहार में नीतीश की अगुवाई में चल रही सरकार में ये आरोप आम हो चला है। ऐसे में आने वाले दिनों में अगर लाल फीताशाही के खिलाफ आपको सत्ता पक्ष
विपक्ष में गोलबंदी देखने को मिल सकती है। और वाकई में अगर ऐसा हुआ तो यकीनन ब्यूरोक्रेसी की वजह से नीतीश सरकार की फजीहत होनी तय है। लोकतंत्र में कहा जाता है कि विधायिका कार्यपालिका से ऊपर है, लेकिन अब विधायिका ही सवाल उठा रही है कि कार्यपालिका के लोग विधायकों की बातों को नहीं मानते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर वाकई बिहार बढ़ती रेड टेपिज्म यानी लाल फीताशाही से परेशान है और जब विधायकों की बातें भी नहीं सुनी जा रही है तो फिर आम जनता का क्या होगा। पटना से कैमरा पर्सन प्रभात के साथ एसके राजीव, समाचार प्लस। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।